नमस्कार, मैं अंजू व्यास, प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन, राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्सटाइल डिज़ाइन में पढ़ाए जा रहे सब्जेक्ट कोड TD 203 के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज के बारे में बताऊंगी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको निम्न बिंदुओं के बारे में बताऊंगी। नंबर वन, इसमें हम सबसे पहले रंजक या रंग द्रव्य की परिभाषा जानेंगे। नंबर दो, रंग द्रव्य को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर तीन, विस्तृत रूप से हम रंग द्रव्य का वर्गीकरण प्राप्ति के स्रोत के आधार पर जानेंगे या पढ़ेंगे। रंजक या रंग द्रव्य की परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों के अणुओं को रंग द्रव्य कहते हैं, जो रंगाई और छपाई से युक्त वस्त्र में रंगत के कारण बनते हैं। इसमें क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम दोनों ही विद्यमान होते हैं। क्रोमोफोर रंग धारण करने वाला, ऑक्सोक्रोम वर्ण मूलक का रंग गहरा करने वाला। रंग द्रव्य के वर्गीकरण के आधार। वस्त्र पर रंगाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रंग द्रव्य को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर वन, रंग द्रव्य के प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। नंबर दो, रंगत पर आधारित वर्गीकरण। नंबर तीन, रंगाई विधि पर आधारित वर्गीकरण। नंबर चार, रंग उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। नंबर पाँच, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। नंबर छः, उपयोगिता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राप्ति के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रंजकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, प्राकृतिक रंजक। नंबर दो, कृत्रिम रंजक। रंग द्रव्य का वर्गीकरण। रंग द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक रंग द्रव्य को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, वनस्पतिक, जांतव, खनिज। वनस्पतिक रंग द्रव्य हमें मजीठ, हल्दी, बबूल, लॉन्गवुड, इंडिगो, अनार, हरसिंगार इत्यादि से प्राप्त होते हैं। जांतव रंग द्रव्य लाख, कोचिनियल, कैमर्स, टायरियन पर्पल। खनिज रंग द्रव्य मिनरल खाकी। कृत्रिम रंग द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, रंजक एंड पिगमेंट। अब हम इन रंग द्रव्यों के बारे में थोड़ा विस्तृत से जानेंगे। प्राकृतिक रंजक। जो रंजक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रंजक कहा जाता है। इन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, प्राकृतिक वनस्पतिक रंग द्रव्य। नंबर दो, प्राकृतिक जांतव रंग द्रव्य। नंबर तीन, प्राकृतिक खनिज रंग द्रव्य। प्राकृतिक वनस्पतिक रंग द्रव्य। जो रंग द्रव्य हमें फूल पत्ती तथा वनस्पति के अन्य हिस्सों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पतिक रंग द्रव्य कहा जाता है, जैसे मजीठ, हल्दी, बबूल, लॉगवुड, इंडिगो, कत्था, हरसिंगार, केसर, हरड़ इत्यादि। अब हम इनके बारे में विस्तृत से जानते हैं। मजीठ। जिन वनस्पति की जड़ों या तने से एलम के साथ लाल रंगत प्राप्त होती है और उन्हें सामान्यतः माडर या मजीठ कहते हैं। इनकी कई प्रजातियां हैं, जैसे चाय मजीठा, इंग्लिश मजीठा इत्यादि। हल्दी। इनका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। इसमें प्राकृतिक रंग द्रव्य की पीली रंगत प्राप्त होती है। इसमें क्यूरामिन रंग तत्व पाया जाता है। बबूल। इनका वानस्पतिक नाम अकशिया अरेबिका है। यह लकड़ी से प्राप्त होता है। लोहा मॉर्डेंट के साथ क्रिया करने पर काला सलेटी रंग प्राप्त होता है। लॉगवुड। यह पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है, अस्थायी रंग होता है, पानी में घुलनशील होता है तथा मॉर्डेंट की सहायता से रंगा जाता है। इंडिगो। इसका रासायनिक नाम
इंडिगोफेरा टिक्टोरिया है। यह पेड़ की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसमें नीली रंग छटा प्राप्त होती है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंग द्रव्य प्राप्त होते हैं, जैसे कत्ता, हरसिंगार, हरडा, केसर, गेंदा इत्यादि। प्राकृतिक जांतव रंग द्रव्य। जो रंग द्रव्य प्रकृति में स्थित कीटक, समुद्र जीव, कीड़े आदि से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक जांतव रंग द्रव्य कहा जाता है। जांतव रंग द्रव्य अत्यंत दुर्लभ होते हैं तथा इनको प्राप्त करने का और इनसे रंगाई करने का तरीका भी श्रमदायी होता है। प्राकृतिक जांतव रंग द्रव्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ निम्न है। लाख, यह प्राचीन रंग द्रव्य काकस लाका कीड़े से प्राप्त होता है। लाख रंजक का प्रयोग ज्यादातर चीट की छपाई में किया जाता है, चूड़ियां बनाने के लिए भी किया जाता है। कैमर्स, यह रंग हमें कीड़े से प्राप्त होता है। यह रंग अत्यंत चमकदार नारंगी लाल होता है। यह ओक के पेड़ पर उसकी पत्तियां खाकर पलता है। कोचिनियल, यह काकस कैक्टाई कीड़े से प्राप्त होता है। कैचिनियल कीड़े के शरीर मैक्रामिनिक अम्ल नामक प्राकृतिक रंग द्रव्य होता है, जो वस्त्र पर लाल रंग देता है। टायरियन पर्पल, यह दो प्रकार की सिपियों वाली मछली से प्राप्त होता है। यह मछली ज्यादातर टायरियन सागर व भूमध्य सागर से प्राप्त होती है। इससे बैंगनी रंग प्राप्त होता है। खनिज रंग द्रव्य, अकार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण से जो रंग द्रव्य प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज रंग द्रव्य कहते हैं। मिनरल खाकी, यह प्राचीन महत्वपूर्ण रंग द्रव्य है। इन्हें अपचयन व ऑक्सीकरण की क्रिया से वस्त्र पर रंगा जाता है। खनिज रंग द्रव्य के प्रकार हैं लोहा चून, क्रोम पीला, क्रोम नारंगी इत्यादि। कृत्रिम रंग द्रव्य, कोलतार से प्राप्त विभिन्न यौगिकों पर रासायनिक प्रक्रिया करके जिन रंग द्रव्य का निर्माण किया जाता है, उसे कृत्रिम रंग द्रव्य कहा जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, नंबर वन रंजक, नंबर टू वर्णक। कृत्रिम रंग द्रव्य, इनको दो भागों में बांटा जाता है, रंजक व वर्णक। रंजक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तैयार रंजक यानी कि रेडीमेड डाई और अंतर्निहित रंजक इनग्रेन डाइज। तैयार रंजक को वापस दो भागों में विभाजित किया जाता है, घुलनशील या वाटर सोल्युबल डाई, नंबर दो वाटर इनसोल्युबल डाई। वाटर सोल्युबल डाई को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, डायरेक्ट, एसिड, बेसिक, रिएक्टिव व ऑप्टिकल व्हाइटनर। इनसोल्युबल डाई को वेट, सल्फर व डिस्पर्स भागों में विभाजित किया है। वर्णक, वर्णक वेट, एजोइक, थैलोसाइनिन और मिनरल इस प्रकार से विभाजित किया गया है। रंजक डाइज, कार्बनिक यौगिकों के अणुओं को रंजक कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, तैयार रंजक रेडीमेड डाई, अंतर्निहित रंजक इनग्रेन डाइज। तैयार रंजक ऐसे रंग द्रव्य जिन्हें रंगाई या छपाई करने से पहले विशेष जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील वाटर सोल्युबल डाई, अघुलनशील वाटर इनसोल्युबल डाई। घुलनशील रंजक, नंबर वन डायरेक्ट डाई, यह रंग द्रव्य सेल्यूलोज युक्त तंतुओं व मानवकृत तंतुओं पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सूती वस्त्र, विस्कोस रेयन इत्यादि को रंगने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एसिड डाई, प्रोटीन युक्त तंतुओं को रंगने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे रेशम, ऊन, नायलॉन इत्यादि। बेसिक डाई, यह घुलनशील रंजक है, ऊन व रेशम पर ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। रिएक्टिव डाई, इसे क्रियाशील रंग द्रव्य कहा जाता है। यह सूती, रेशम, नायलॉन
ऊन पर रंगने के लिए काम में लाई जाती है। ऑप्टिकल वाइटनर, ऑप्टिकल वाइटनर पराबैंगनी और वायलेट क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हैं व नीले क्षेत्र में फिर से उत्सर्जित होते हैं। यह रंग में ब्राइटनेस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं व सफेद वस्त्र की चमक व व्हाइटनेस को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। अघुलनशील रंजक, वाटर इनसॉल्युबल डाई। यह रंजक सीधे पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, इनको रसायनों की सहायता से रंगाई से पूर्व घुलनशील बनाया जाता है। अघुलनशील रंजकों के निम्न प्रकार है। वेट डाई, यह अघुलनशील रंजक है, इनको रंगाई से पूर्व घुलनशील अवस्था में रसायनों की सहायता से लाया जाता है फिर रंगाई की जाती है। यह ज्यादातर सेल्यूलोज युक्त तंतुओं की रंगाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सल्फर डाई, यह अघुलनशील रंजक है, रंगाई पूर्व इस रंजक को भी घुलनशील अवस्था में लाया जाता है, उसके पश्चात रंगाई की जाती है। यह भी सेल्यूलोज युक्त वस्त्र की रंगाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। डिस्पर्स डाई, अघुलनशील रंजक है, रंग प्रसरण सहायक पदार्थ की सहायता से एसिटेड रेयन व पॉलिस्टर तंतुओं पर रंगे जाते हैं। अंतर्निहित रंजक, इनग्रेन डाई, जिन रंग द्रव्य में दो अलग अलग पदार्थ होते हैं व तंतु की रासायनिक रचना में इन्हें अलग अलग प्रवेश कराकर एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है और तंतु पर ही रंगत प्राप्त होती है, उसे अंतर्निहित रंजक या इनग्रेन डाइज कहा जाता है। इनके प्रकार है एजॉय, नेफ्थोल डाई। वर्णक, पिगमेंट, वर्णक रंग के अघुलनशील कर्ण होते हैं, यह वस्त्र में अवशोषित नहीं होते हैं अपितु वस्त्र की सतह पर किसी बंधक तत्व बाइंडिंग एजेंट की सहायता से चिपके रहते हैं। इनके उदाहरण है वैट, हेलोसाइनिन, मिनरल इत्यादि।